गांधीनगर से अमित शाह आ गए। एक बार फिर से रुक करते हैं विनीता का, विनीता क्या है वहां पर हलचल? बिल्कुल शिप्रा, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं, अगर बिहार की हम बात करें तो 9 सीटों पर एनडीए आगे है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी हमारे साथ हैं, रुझानों का जो हाल है क्या कहेंगे? देखिए, मात्र अभी 19 मिनट हुआ है मतगणना प्रारंभ हुए, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही होगी, ओल्ड पेपर बैलेट की गिनती हो रही होगी, हम समझ रहे हैं कि सर्विस बैलेट पेपर गिनती हो रही है। और 19 मिनट में कितना ईवीएम शुरू होगा तो लगता है क्या आंकड़ा बचेगा? मैं वही कह रहा हूँ, और इतना जल्द आंकड़े आ रहे हैं, अभी मॉडल बूस्टर प्लान चल रहा है, 2 घंटे के बाद समझ में आएगा कि असली हकीकत क्या। आप बताए ना 19 मिनट में कितना फास्ट प्रशासन है जो गिनती शुरू हो गई, इसका मतलब अभी सिर्फ मॉडल बूस्टर प्लान चला है। तो अभी इनको इंतजार है कि आधे घंटे के बाद जो जल्दी जल्दी साफ होगी, क्या लगता है आधे घंटे के बाद जो रिएक्शन ले फटाफट क्या कुछ कहते हैं वो? साफ है, तय मानिए मोदी जी तीसरी बार और लगातार पिछले बार से अधिक मतों, अधिक सीटों और अधिक मत प्रतिशत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं कोई संशय क्या लगता है? ठीक है विनीता, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ एक और गेस्ट अभी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी एक क्विक रिएक्शन हम इस पूरे आंकड़ों पर ले ले। प्रोफेसर